हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय शोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज कवि का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आपके पार्टनर की आज दोपहर की एनर्जी, और आज दोपहर की एनर्जी में उनका मूड कैसा है, फीलिंग्स क्या है, और कलेक्टिव रीडिंग है। ऑल साइन के लिए है, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब के लिए है, और ये टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, जब भी ये वीडियो आपके सामने आ रहा है, ये डेट पे मत जाइएगा। ठीक है, ये डेट पे ना जाके आप वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग होती है, तो इसे ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब के लिए है। आप जिनके बारे में सोच रहे हो, वो आपके बारे में क्या महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखती हूँ आज दोपहर की एनर्जी व्यूअर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पर। इंचेस प्लीज गाइड करें, इतने सारे कार्ड एक ही बार गिर जाएंगे। जस्ट प्लीज गाइड करें। आज दोपहर की एनर्जी व्यूअर्स के पार्टनर्स के, जस्ट प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आर्कएंजल दिव्य शक्ति गाइड करें। यहाँ पे आपको अपने पर्सन के बारे में सोचना है, फील करना है, ध्यान रखना है, और इंटेंशन सही रखना है। उनका नाम कम से कम 3 बार लीजिए, ताकि इंटेंशन आपके प्योर हों और सही हों। ठीक है, उनका नाम मन ही मन में लेना है, उनके बारे में फील कीजिए, ध्यान कीजिए। आज दोपहर की एनर्जी व्यूअर्स के पार्टनर्स के, 5 of Cups, जस्टिस, 4 of Wands। आपने कार्ड देखा, और वॉडम तड़िक से है, 5 of Pentacles। ठीक है, तो आपने पहले कार्ड देखे, एरिस लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग, पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो कैप्रिकॉर्न टॉरस वर्गो, ये साइन कार्ड से आ चुका है। ठीक है, पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो एरिस लियो एंड सैजिटेरियस कैप्रिकॉर्न टॉरस वर्गो, मकर वृषभ और कन्या राशि, मीन कर्क और वृश्चिक राशि, मेष सिंह और धनु राशि। तो कार्ड से, इतने कार्ड से जो साइन आए हैं, मैं आपको वो बता रही हूँ। ठीक है, देखिए आपके पार्टनर शायद अब तक उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है। ठीक है, तो देखिए इनके मन में कुछ ऐसी भावनाएं जो आ रही है आपके प्रति, देखिए हो सकता है इनके मन में ऐसा चल रहा है कि आपके साथ अनफेयर हुआ है। ठीक है, ये पर्सन संतुष्ट नहीं है, कुछ परेशानियां और कुछ मजबूरियां हैं, तो हो सकता है कि गुस्से में इन्होंने आकर कुछ ऐसे डिसीजन लिए जो फैमिली से रिलेटेड है, थर्ड पार्टी से रिलेटेड है, परिवार से रिलेटेड है। ठीक है, अगर उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजन ले लिए हैं, तो आज आपके पर्सन, हो सकता है वो डिसीजन इनके लिए सही साबित ना हुई हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनको रिग्रेट फील हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ कुछ सही नहीं किया है, और वो आपके साथ जस्टिस चाहते हैं। उनके मन में ऐसी भावना कुछ नहीं थी कि वो आपके साथ कुछ गलत करें, तो यहाँ पे अनफेयर वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ वो संतुष्ट नहीं हैं। बट इनकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है, कहीं ना कहीं काफ़ी उलझी हुई है, और शायद किसी प्रकार का लीगल इशू भी है, जहाँ वो खुश दिखाई नहीं दे रहे। एक अलोन वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। शायद इनका डिसीजन जो था आपसे दुनिया बनाने का, या पास रिलेटेड, तो आज इनके लाइफ की जो शांति है, जो बिल्कुल भंग हो चुकी है, मन की शांति इनको नहीं है। अब रियल में आपके पार्टनर रियलिटी फेस कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये पर्सन जो है, कभी कभी गुस्से में आके कैसे करते कि मैं सही हूँ और तुम गलत हो, तो ये उनका अंदर का जो एनर्जी है, ट्रिगर जब करता है, गुस्सा जब होते हैं, तो कभी भी अपने गलती को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, और हमेशा ये अपने साइड को ज़्यादा समझते हैं कि मैं ही सही हूँ, तो अपने साइड ये कभी कभी ज़्यादा लेते हैं। लेकिन अगर इन्होंने गुस्से में आके, आवेश में आकर उन्होंने कुछ डिसीजन लिया है, ठीक है, तो ये पर्सन डिसीजन लेकर, और ये किसी और को इन्होंने चुना है, चाहे वो कोई भी हो, लाइफ में करियर हो, इनकी फैमिली हो, पेरेंट्स हो, कमिटमेंट हो, मैरिड हो आपके पार्टनर, या इन्होंने मैरिज कर ली हो, कमिटमेंट कर ली हो, या आपका कमिटमेंट उन्होंने तोड़ा,
तो आज ये एनर्जी जरूर कड़ी कि जितना अपने फेवर में ये रहते थे, जितना अपने साइड लेते थे, लेकिन आज आपके पार्टनर जो हैं रिग्रेट फील कर रहे हैं। कुछ लीगल इशू और कुछ इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया, अनफेयर किया, उसके बारे में ये रिग्रेट फील कर रहे हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो हर हाल में आपके पार्टनर की एक एनर्जी दिखाई दे रही है कि इस रिश्ते पे ये एक कोशिश ज़रूर करना चाहते हैं, इस रिश्ते के लिए वो माइंड सेट करना चाहते हैं और इस रिश्ते पे वो वर्क करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन इनको प्रॉपर ढंग से माइंड सेट करना होगा, पहले इनको खुद को बदलना होगा तभी इनके अंदर बदलाव आएगा। तो ये पर्सन जब आप में खुशी ढूंढते हैं तो 100% है कि आप भी उनमें खुशी ढूंढते हो। ठीक है, तो अगर इनका डिसीजन गलत रहा है तो आज ये अफसोस की एनर्जी में है। ठीक है, ये पर्सन माइंडसेट करना चाहते हैं और इनकी दिली इच्छा हो रही है कि वो आगे आपके साथ बढ़ें और ये भी चाहते हैं कि आप उन पर भरोसा भी करें। ठीक है, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इशू रहा हो। ठीक है, और आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं दूरियां बढ़ती गई या दूरियां बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो हो सकता है कि बहुत सारे ऑब्स्टिकल होते हैं यहाँ पे, काल सर्प दोष भी होता है, मांगलिक एनर्जी भी होती है, मतलब होता है ना मंगल ग्रह भी होता है, मांगलिक जैसे मांगलिक एक दूसरे काल सर्प दोष भी होता है, यहाँ कोई एक मांगलिक भी हो सकते हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल हो सकते हैं, कुछ कर्मा, कुछ ब्लॉकेज। ठीक है, तो कुछ ऐसे उलझने हैं जो आप दोनों के बीच में जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, पर ये पर्सन मैं देख पा रही हूँ कि अपने लाइफ में प्रॉपर ढंग से संतुष्ट बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और देखिए कुछ ऐसा भी है कि आप अपने आप को बदल रहे हो तो ये चीज़ इनको शॉकिंग फील करा रहा है। ठीक है, हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे सिचुएशन को देखकर आपने खुद को बदला है, अब आप हो सकता है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। देखिए बहुत सारी बातें होती है जो लाइफ में घटित होती है, बट कहीं ना कहीं एक टाइम ऐसा आता है कि इंसान को मजबूर होता है और ये चीज़ फेस कर कर, रियलिटी फेस कर कर, फिर जब वो संघर्ष करता है तो उनको रियलिटी फेस करते तब उसको पता चलता है कि सही में सही चीज़ क्या है उनके लिए। ठीक है, तो आपके पार्टनर की एनर्जी भी वही है जो कि इनको माइंड सेट करना है, ये प्रॉपर माइंड सेट नहीं कर पा रहे क्योंकि अभी भी रिग्रेट की एनर्जी में है, फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, अभी भी ये लॉस्ट की एनर्जी में है। ठीक है, तो देखिए कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कुछ तो ऐसी परेशानियाँ हैं, रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत रहा है क्योंकि फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, हो सकता है आप दोनों का रिश्ता बहुत स्ट्रांग रहा है, आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ इशू होते रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखती हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग से आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशन, डीप इमोशंस एंड उनके फीलिंग्स आपके लिए। ठीक है, मैं ये उठा रही हूँ, क्या बात है, प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आर केंद्र दिव्य शक्ति गाइड करें। चलिए बिल्कुल अपने पर्सन का ध्यान कीजिएगा। देखिए कैंडल 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 जा रहा है, कैंडल जा रहा, वन मिनट, जस्ट प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आर केंद्र दिव्य शक्ति गाइड करें, राधा रानी गाइड करें, हे प्रभु सही मार्ग सही दर्शन दिखाएं, एंजल्स प्लीज गाइड करेंगे, डिवाइन गाइड करेंगे, ऑल आर के से दिव्य शक्ति गाइड करेंगे। देखिए देखा जा सकता है तो आपके पार्टनर जो कहना चाहते हैं कि आपका रिश्ता जितना स्ट्रांग है, शायद कहा नहीं जा सकता कि किस तरह आपको बयां करें, शब्द कम पड़ रहे हैं आपके लिए इस पर्सन के मन में कि आपका रिश्ता और आपका प्यार इनके लिए कितना मायने रखता है और आपने कितना कुछ इनके लिए क्या किया है। तो मुझे लग रहा है ये पर्सन आपको बयां नहीं कर पा रहे हैं जितना वो आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, तो देखिए आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है मैं देख पा रही हूँ बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है, चाहे कुछ भी हो आपके और आप दोनों के बीच में कितनी भी दूरियाँ बढ़ रही हो या बढ़ती जा रही हो या फिर अंडरस्टैंडिंग ना हो, लेकिन रिश्ते आपका जो रिलेशनशिप है बहुत ही सुंदर है। ठीक है, आज भी है बट थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। देखिए आपका सबसे सुंदर स्वभाव है, एक तो आपका केयरिंग नेचर, वो बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर आपके तरफ अट्रैक्ट होते हैं। देखिए उनको भी पता है कि आपने अपना बेस्ट दिया है, देखिए उन्हें भी पता है
कि आपने अपना बेस्ट दिया है, ये पर्सन इनसिक्योर जरूर महसूस करते हैं आपके सामने आने से या आपसे बात करने से, क्योंकि आप उनके लिए परफेक्ट एंड प्योर इंसान हो, ठीक है। शायद उन्होंने आपके साथ अब तक न्याय नहीं किया है, तो देखिए उनको ये महसूस हो रहा है। ऐसा नहीं है कि उनको महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन गुस्से में आकर इन्होंने कुछ डिसीजन लिया था या लिया है, लेकिन आपके साथ गलत हुआ है, अनफेयर हुआ है। ये जो इनके दिल और दिमाग में बैठा हुआ है, ये आपके पार्टनर ऐसा महसूस कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ये पर्सन जो है अपनी मदर की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, पेरेंट्स को तो रिस्पेक्ट करते हैं। मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा कंफ्यूज अपने फैमिली को लेकर हैं और मदर को लेकर हैं, ठीक है। बट आप उनके लिए क्या मायने रखते हो ना, ये आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। कहा जाता है दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, ठीक है। तो ये बयान नहीं कर सकते इतना आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि आपने अपने आप को इनको समर्पण किया है, आपने अपना बेस्ट दिया है। आपकी केयरिंग नेचर वो उनको बहुत अट्रैक्ट करती है, और आप में इसलिए उनको परफेक्ट पार्टनर की एनर्जी दिखाई देती है। लेकिन क्या है ना कि उनको लग रहा है ना कि आप में वो पहले वाली बात नहीं है, ठीक है। आप बदल से गए हो, आप में एक पहले मैच्योर पर्सन वाली एनर्जी दिखाई देती थी, ठीक है, लेकिन आप में इतना बचपना आ गया है कि ये पर्सन पहले तो आपको समझाते थे, शायद आप समझ नहीं पा रहे हो। आज भी शायद हो सकता है आप कुछ डिमांड रख रहे हो, मतलब उनके कहने का मतलब अब आप उनकी नहीं सुनते हो, आप उनको कंट्रोल करते हो, ठीक है। आप डिमांडिंग हो गए हो, कंट्रोल करने के साथ साथ उनके लाइफ के सिचुएशन को लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर भी डिस्कस करते हो, ठीक है। ये चीज़ उन्हें अच्छा फील नहीं कराता, ठीक है। सबसे बड़ी बात, आप उनको कंट्रोल करने लगे हो, ठीक है, उसके बाद आप डिमांड करने लगे हो। ये नेचर जो है ना आपके पार्टनर को आपसे दूर कर रहा है, ठीक है। प्यार है बट आपसे ये दुनिया बनाकर रहना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि वो आपको समझाएं। मतलब आपका पहले से जो बर्ताव है वो अलग हो चुका है, बिहेवियर में आपके चेंजेस आए हैं, और ये क्यों आए हैं, वो तीसरे इंसान की वजह से आया है, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पे आपके पार्टनर मैरिड हों, कमिटेड हों, ठीक है, या हो सकता है कोई यहाँ वीडो भी हो सकते हैं या डिवोर्सी भी हो सकते हैं, या आप मैरिड हो सकते हो, कमिटेड हो सकते हो, या आप यहाँ डिवोर्सी या हो सकते हैं या वीडो हो सकते हो। तो दोनों तरफ से कोई है जो इस तरह की एनर्जी में है, लेकिन हर बात पे तीसरा इंसान को लेकर आप दोनों के बीच में शक आता है और फाइटिंग हो जाती है। ये आपके पर्सन को अच्छा फील नहीं कराता, वो टूट जाते हैं। मतलब ये आपको लाख कोशिश कर रहे हैं समझाने का, तो आप समझते अब नहीं हो। पहले वही चीज़ आप समझ जाया करते थे, इनको सपोर्ट किया करते थे। अब आपके पार्टनर जब भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं, आप कुछ ना कुछ बात थर्ड पार्टी को लेकर कहते हो और कुछ डिमांड कर बैठते हो, और या फिर बहस हो जाती है या आप उनको कंट्रोल करते हो। तो ये बिहेवियर जो है आपका उनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, ठीक है। और इस वजह से ये आपसे दुनिया बनाते हैं, लेकिन दुनिया बनाने के बावजूद भी ये पर्सन खुश नहीं रहते, मजबूरी में आकर आपसे डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, ठीक है। देखिए उनको भी लग रहा है कि आप काफ़ी चीज़ें तो हाइड कर रहे हो, पहली बात शक करने लगे हो। ये बिहेवियर जो आपका है उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है। आज भी ये बिहेवियर आपका इग्नोर करना, वो आपका टेंशन पाना चाहते हैं, आप भी उनका टेंशन पाना चाहते हो, बट आपसे ये दूरियां जानबूझकर बनाते हैं। उनको भी लग रहा है कि अब आप में वो बात नहीं है, ठीक है, ना ही आप अब आप कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हो, ना ही आप दिल की बात शेयर करते हो, और तो और इनको आप मैनिपुलेट करते हो, चाहे आपकी खामोशी हो या बहस से। तो इनको अब लग रहा है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहते। लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके बीच में प्यार जरूर है, बट आप चाहते हो कि वो आपको अटेंशन दे, मतलब कि वो आपको समझे, आपको प्यार दे, सिर्फ और आपको, ठीक है। ये आप चाहते हो कि वो सिर्फ आपको अटेंशन दे, वो आपसे बात करे और किसी तीसरे को बीच में इन्वॉल्व ना करें। देखिए मैंने कहा ना, हो सकता है कि यहाँ बहुत सारे व्यूअर्स के पार्टनर हैं जो मैरिड भी हैं, कमिटेड हैं, या पेरेंट्स फैमिली इशू है,
कुछ से रिलेटेड बच्चे भी हैं, ठीक है। और बच्चे भाई इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आपके पार्टनर के जो बच्चे हैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लाख कोशिश आप करोगे वो अपने बच्चे से अटैच हैं वो नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। अपने बच्चे का फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, अपने बच्चों का 100% देना चाहते हैं और अपनी जिम्मेदारियाँ ये बखूबी निभाते हैं, ठीक है। देखिए हो सकता है आप उनसे वक्त मांग रहे हो, पहले वाली बात है कि आपके पार्टनर काम में काफ़ी उलझे हुए रहते हैं, ये भी दिख रहा है, काफ़ी काम को लेकर सोचते हैं, और हो सकता है ये पर्सन जो है आपको पहले जैसा ना ही वो घूमने को कहते हैं, ना ट्रैवल पर ले जाते हैं, ना शॉपिंग कराते हैं, ना वो आपको टाइम दे रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपके मन में ऐसा लग रहा है कि उसको मेरे लिए वक्त नहीं है, लोगों से बात करने के लिए, घूमने के लिए, फैमिली के लिए, अपने काम के लिए टाइम निकाल रहे हो, लेकिन लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए यहाँ पर टाइम नहीं निकाल पा रहे। तो दोनों के अंदर ये गलतफहमियाँ मैं देख पा रही हूँ, जैसे आपके मन में चल रहा है उसी प्रकार आपके पार्टनर के मन में भी चल रहा है, मतलब एक दूसरे के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे हो, दोनों ही अपने लाइफ में बिजी हो। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स आप चाहते हो कि आपके पार्टनर जो हैं सिर्फ और सिर्फ आपको टाइम दे, आपको प्यार करे, आपको अटेंशन दे, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उनका बिहेवियर भी आपको पसंद नहीं है और आपका कुछ बिहेवियर ऐसा चेंज आया है कि अब आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि अब आपका बिहेवियर में इतना बदलाव आया है, अब ये चाहते हैं कि थोड़ा आप मैच्योर हो जाए, ठीक है, जैसे आप पहले थे आप वैसा हो जाए। तो देखिए आपसे इतना प्यार करते हैं कि ये शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर आपको कह सकते हैं कि जो जितना भी आपने दिया है शायद वो आपको रिटर्न कभी नहीं दे पाएंगे, इतना आपने दिया है, क्योंकि आपने 100% दिया है और अपना पूरा बेस्ट दिया है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स पार्टनर या आप दोनों में से कोई है जिनका एक ब्यूटी पार्लर है या कोई ब्यूटिशियन है स्ट्रांगली, ठीक है, कोई जिम से रिलेटेड काम कर रहा है या अपने फिटनेस पे ध्यान दे रहा है, कोई है जो जिम से रिलेटेड काम कर रहा है या वो अपने फिटनेस पे ध्यान दे रहा है, आप या आपके पर्सन कोई मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। किसी का यहाँ शॉप मुझे दिखाई दे रहा है, ये शॉप किसी चीज़ का भी हो सकता है या फिर मुझे शॉप ही या फिर घर से रिलेटेड कोई बिजनेस कर रहा है, कोई है, कोई भी हो सकता है, ये जो मैं ब्यूटी पार्लर या जिम से रिलेटेड फिटनेस पर ध्यान या फिर कोई शॉप वगैरह किसी ने खोल कर रखा हुआ है, ठीक है। आप या आपके पर्सन ने, कुछ लोगों के लिए इस तरह की वाइब्रेशन मैं देख पा रही हूँ, लेकिन देखा जाए तो दोनों ही एक दूसरे के बगैर बहुत रोते हो। तो आपके पार्टनर का जो बिहेवियर जो है वो कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा कि आपने मजबूर किया है, ठीक है, लड़ना झगड़ना, ठीक है। तो आप चाहते हो कि वो आपको प्यार वही अटेंशन दे, आप अटेंशन पाना चाहते हो, तो आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जब भी मुलाकात बात हो तो तीसरे इंसान की बात नहीं करनी है या कमिटमेंट से रिलेटेड कोई डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि ये खुद इनको माइंडसेट करना है, डिसीजन इन्हीं को लेना है, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा ही, ठीक है। तो देखिए इनको कंट्रोल मत कीजिए, इनको समझने की कोशिश कीजिए ऐसा वो चाहते हैं, और देखिए आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी की वजह से भी झगड़े लड़ाइयाँ होती है तो ये पर्सन थोड़ा इनसिक्योर महसूस करते हैं, नो डाउट, ठीक है, क्योंकि आपने दिया है तो वो आपको रिटर्न नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन जब तक आप एक दूसरे को समझोगे नहीं, एक दूसरे के लिए माइंड सेट करोगे नहीं, जब तक एक दूसरे को जानोगे नहीं, तो प्यार कैसे आगे बढ़ सकता है, ठीक है। तो देखिए कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं या ये ट्रैवल से रिलेटेड काम करते हैं या ये छुट्टियों की एनर्जी है, वेकेशन में कहीं ये आ रहे हैं या जा रहे हैं, वेकेशन है, छुट्टियां हैं, तो मुझे लग रहा है आपके पार्टनर नेवी में भी है, ठीक है, एक दिन और नेवी का निकला, नेवी मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, नेवी सोल्जर, या फिर मुझे लग रहा है पानी से रिलेटेड, ठीक है, या किसी के पर्सन हैं जो गन से रिलेटेड काम करते हैं, ये देखिए किसी लाइन में भी हो सकता है, ये बॉडीगार्ड कह सकते हो या फिर नेवी में कह सकते हो, सोल्जर कह सकते हो, ठीक है, पुलिस लाइन में कह सकते हो, जहां मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है।
तो देखिए आपके पार्टनर जिस तरह का सोच बदल रहे हैं, मतलब आप पहले से बहुत ज़िद्दी इंसान हो गए हो ऐसा वो, तो अपने बिहेवियर को थोड़ा चेंज कीजिए, उन्हें आपके प्यार की ज़रूरत है ये ऐसा वो फील कर रहे हैं। लेकिन जब तक आप अपने बिहेवियर को चेंज नहीं करेंगे, ये खुलकर आपसे डिस्कस कैसे करेंगे, जबकि ये पर्सन आपसे अभी भी मिलना चाह रहे हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, और कुछ उस आपके पार्टनर की ट्रैवलिंग हो रही है, ये गाँव जा सकते हैं, वेकेशन में आ रहे हैं, या छुट्टियाँ लेकर वो घर वापस आ रहे हैं, या किसी का गांव मुझे देख रहा है, गांव विलेज मतलब अपने परिवार अपने गांव में आना, ठीक है। तो कुछ लोग वेकेशन को लेकर छुट्टियां लेकर घर वापस भी आ रहे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। देखिए उनसे फाइट आप मत कीजिए, ठीक है, उससे थर्ड पार्टी से डिस्कस मत कीजिए ऐसा वो चाहते हैं, ठीक है। वो थक जाते हैं आपको समझाने से, नहीं ये थक जाते हैं और ये आपको ब्लॉक कर देते हैं, उन पर शक मत कीजिए। और जब भी देखिए ये चाहते हैं कि जब भी वो घर में रहें उस टाइम पर आप कॉल मैसेज मत कीजिए, जैसे इसलिए कभी कभी आपको ब्लॉक कर देते हैं, स्पाई करते रहते हैं, लेकिन जब भी वो घर पर रहते हैं तो आप डायरेक्ट आप कॉल मैसेज मत किया कीजिए जब तक अपने तरफ से वो एक्शन ना ले, ठीक है, वो ये कहना चाहते हैं। इसलिए कभी कभी जानबूझकर ब्लॉक करते हैं, उनको जब डाउट होता है कि कहीं आपसे बातचीत होगी या फाइटिंग हो जाएगी, तो इस वजह से ये पर्सन आपको ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन अपने बचपने वाली एनर्जी को थोड़ा सा आप सुधार लीजिए, ऐसा आपके पार्टनर कहना चाहते हैं, मैच्योर हो जाइए, क्योंकि आपने प्यार दिया है तो आपके रिस्पेक्ट भी करते हैं, आपको जानबूझकर रुलाना नहीं चाहते, सताना नहीं चाहते हैं, आप अटेंशन पाना चाहते हैं वो देना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कंट्रोल मत कीजिए। उनके ऊपर काम का प्रेशर भी है, फैमिली का, बच्चे का, पेरेंट्स का, भाई बहनों का बहुत प्रेशर है, कुछ के लिए तो लीगल इशू भी है, तो आपके साथ एक बैलेंस क्रिएट कर चलना चाहते हैं। जब आप मजबूर करते हो तब जाके ये पर्सन के अंदर अपने परिवार के प्रति मतलब अटैचमेंट बढ़ जाता है और वो डिसीजन लेते हैं कि मुझे थर्ड पार्टी के साथ ही रहना है, गुस्से में आवेश में आकर ये अपना काम करना शुरू करते हैं, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं होते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर मुझे यहाँ दिख रहे हैं कि अब आपके साथ मिलना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन बार बार उनके दिमाग पर ईगो भी हावी हो रहा है, वो खुश नहीं है, स्टक वाली एनर्जी, खुश नहीं है वो, स्टक वाली एनर्जी है, बट बार बार खुद को बदलने के चक्कर में और आपके अंदर बदलाव लाने के चक्कर में ये पर्सन के अंदर गुस्सा और ईगो हावी हो जा रहा है। ये है लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी, ठीक है, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी। यहाँ पे साइन जो मुझे दिख रहे हैं, मैं साइन तो मैं बता दे, सारे साइन आ चुके हैं, लेटर्स मुझे दिख रहा है, एफ स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, एफ है, एच है, एस है, डी है, यू है, ए है, ए, एल भी हैं, टी भी हैं, वी भी हैं, सी भी हैं, ओ भी हैं, के, एच भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस वक्त आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है, जे भी हैं, पी भी हैं, आर भी हैं, लेटेस्ट जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्यू भी हैं, एक्स भी हैं, यहाँ जेड भी किसी का नाम हो सकता है, जेड, ठीक है, जेड से, ठीक है, जेड, आर भी हैं और डी भी हैं, जी भी हैं, ये लेटेस्ट मुझे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सर्विस मुझे लग रहा है यहाँ पे, बहुत सर्विस आपके पार्टनर वेकेशन की छुट्टी लेकर बहुत जल्द ट्रैवल करने वाले हैं, फिलहाल वो आपसे मिलना भी चाह रहे हैं, इस ट्रैवल के दौरान उन्हें आपसे मिलना भी है, बात भी करना है, कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको समय पर छोड़ दीजिए कि वो आपके लिए डिसीजन लेंगे या नहीं लेंगे, लेकिन उनकी दिली इच्छा है कि जब तक आप अपने आप को कंट्रोल नहीं करेंगे जब तक वो डिसीजन नहीं लेंगे, लेकिन वो आपसे प्यार करते हैं और आपके बिना ये असंतुष्ट हैं, ठीक है, वो आपके बिना कहीं खुश नहीं है, जो आपको प्यार पैम्पर चाहिए वो आज भी करते हैं, लेकिन मजबूरी बस आपको ब्लॉक करना पड़ता है, और ये किसी से भी बातचीत करते हैं तो आपको डाउट होता है कि ये ऑनलाइन है, मुझसे बात नहीं कर रहा है, मुझ पर तो वो गुस्से में आकर आपको ब्लॉक कर देते हैं। और कभी कभी देखिए ये अगर किसी से फ्लर्ट भी करते हैं तो घबराइए नहीं, यहाँ पर वो एनर्जी ने फ्लर्ट ज़रूर आपके पर्सन करते हैं किसी ना किसी से, बट आपकी जगह वो किसी और को नहीं दे रहे हैं, ठीक है, जो जहाँ पर जहाँ आपकी जगह है वो किसी और को नहीं दे रहे, इतना ये प्यार आपसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपको लव सेंड कर रहे हैं, सॉरी फील कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी आपके साथ उन्होंने किया है वो खुद अपने आप में संतुष्ट नहीं है, चाहे इनका डिसीजन हो या इन्होंने ब्लॉक किया हो,
लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि आप माइंड सेट कीजिए, आप कंट्रोल कीजिए और इस रिश्ते को आप समझिए। ठीक है, इस पर्सन को लग रहा है कि शायद इस रिश्ते को समझने में थोड़ा आप देर लगा रहे हो, लेकिन सबका एक टाइम होगा और ये आपके लिए डिसीजन लेंगे क्योंकि उनके भी हालात सही नहीं है। ठीक है, लेकिन गन से रिलेटेड मुझे जो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, कोई पुलिस से रिलेटेड हो सकता है, नेवी से रिलेटेड हो सकता है, सोल्जर हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ वेकेशन मुझे दिख रहा है, बहुत जल्द वेकेशन की तैयारी हो रही है। फिलहाल आपसे आपके पार्टनर मिलना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, कुछ वो लीगल इशू से रिलेटेड अपने लाइफ में उलझ चुके हैं, जहाँ वो काफ़ी लॉस्ट से गुजर रहे हैं। उनको पता है कि जब तक आप उनकी ज़िंदगी में नहीं आओगे, शायद उनके ज़िंदगी में संतुष्टि, वो खुशी नहीं आएगी, वो पॉजिटिविटी नहीं आएगी। तो ये टाइम निकाल कर आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि ऑन ऑफ सिचुएशन भी होता है आपके लाइफ, देखिए ऑन ऑफ सिचुएशन भी होता है, जिस वजह से हो सकता है आप क्रोध में आ जाते हो, क्योंकि पहले जैसा टाइम आपके पार्टनर आपको नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, और इनके लिए इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और काम बहुत मायने रखता है बाबू। ठीक है, और कुछ लोग के पार्टनर तो मुझे लग रहा है बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, देखिए आप दोनों के बीच में तीसरा इंसान है, इस वक्त ना डिसीजन ले पा रहे हैं ना ही थर्ड पार्टी को छोड़ पा रहे हैं, कुछ तो लीगल इशू भी चल रहा है, लेकिन अचानक से बिहेवियर आपके पार्टनर का चेंज हुआ है, तो आपको भी सताया है, लेकिन आपका बिहेवियर भी कहीं ना कहीं उनको दुखी दे रहा है। ठीक है, आपका बदलाव, आपके लाइफ में बदल जाना, चुप रहना, खामोश रहना, शक करना, ये सब चाहते कि आप छोड़ दीजिए, रिश्ते बैलेंस्ड रहेंगे। तो ये माइंड सेट कर रहे हैं कि इन्हें क्या करना है, फिलहाल वो आपसे मिलना भी चाह रहे हैं, लेकिन लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हो रही है, जिस तरह आपने फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया, आपने बंद कर दिया है। ठीक है, बहुत सारे व्यूअर्स ने आपने फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करना बंद कर दिया है। ठीक है, अब आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाह रहे हो, आप डायरेक्ट इनके साथ रहना चाहते हो, अटेंशन पाना चाहते हो, पूरा प्यार आप ही पाना चाहते हो। तो कुछ आपके पार्टनर को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी है, सच पूछिए, लेकिन जितना आपको प्यार करते हैं आपको बयान नहीं कर सकते हैं। देखिए पेरेंट्स से रिलेटेड कुछ ऑब्स्टिकल आ रहे हैं। ठीक है, हो सकता है पेरेंट्स को मना रहे हैं, ब्लॉकेज है, लेकिन आपके लिए ये पैशनेट है। अब क्या किया जाए, पेरेंट्स भी है, कुछ पेरेंट्स इशू भी है, लेकिन अभी भी आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपको लगातार याद कर रहे हैं, अब क्या किया जाए। प्यार करते हैं, लोगों से फाइट कर रहे हैं, अपने आप से फाइट कर रहे हैं। जब आप नहीं समझोगे तो कोई नहीं समझेगा। इस पर्सन को भी लग रहा है कि आप नहीं है जो इनको समझा है, लेकिन आपका जब बिहेवियर चेंज हुआ तो इनको कहीं ना कहीं मजबूरी कुछ डिसीजन लेना पड़ा है। ठीक है, बस चाहते हैं कि आपके वजह से इनको बहुत कुछ मिला है, बस आप अपने बिहेवियर को चेंज कर दीजिए और इनको सपोर्ट कीजिए। ठीक है, जो आप चाह रहे हो ना, आपके पर्सन भी आपसे वही चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग मुझे नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन दरअसल अब आपके पार्टनर की जो एनर्जी है, जो ये रियलिटी फेस कर रहे हैं, अब इनसे वो भी सीख रहे हैं, लेकिन आपके प्रति भरोसा है, लेकिन आप उनको चेस बहुत करते हो, लेट नाइट है, ऑनलाइन है, ये सब उनको भी पता है कि आप उनको बहुत स्पाइक करते हो। ठीक है, और गुस्से में ये मुस्कुराते भी हैं। ठीक है, ये पर्सन गुस्से में मुस्कुराते भी हैं, क्योंकि आपका बिहेवियर वो भी जानते हैं। ठीक है, कि आप उनसे प्यार भी करते हो। यहाँ पे एक बच्चे की मुझे लग रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं यहाँ पे बच्चे से अटैच हैं, कुछ व्यूअर्स जिनके बच्चे हैं यहाँ बच्चे से बहुत ज़्यादा अटैच हैं, आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, शायद आपके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहते हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, आपके पार्टनर आपके साथ फैमिली भी बनाना चाहते हैं, मुझे ये भी दिख रहा है बच्चे, लेकिन कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर के बच्चे हैं, जहाँ आपको समझना होगा, इस तरह की एनर्जी है। यहाँ पे देख लीजिए टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, यहाँ भी देख लीजिए जगल तो कर रहे हैं, लेकिन इन्फिनिटी कह सकते हो या टू ऑफ पेंटिकल्स कह सकते हो, देख लीजिए। ठीक है, टू ऑफ पेंटिकल कहो या तो कन्फ्यूज़न अभी भी है, जगल अभी भी कर रहे हैं, थर्ड पार्टी इशू अभी भी है, लेकिन चाहते हैं कि जब आप उनको समझ रहे हो तो फिर क्यों कन्फ्यूज कर रहे हो। ठीक है, वो आपको समझाना चाहते हैं, लेकिन अब आजकल आप नहीं समझते हो। ठीक है, तो चाहते हैं कि जो आप डिमांड करते हो, कंट्रोल करते हो, शर्त रखते हो, उसे आप छोड़ दें। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को बिहेवियर पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, अभी आप खुशी ढूंढ रहे हो, वो संतुष्ट नहीं है,
वो रिग्रेट फील कर रहे हैं, उन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया है वो खुद वो मजबूरी में आकर उन्होंने किया है, लेकिन फ़िलहाल वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात, इनको अभी बहुत माइंडसेट करना है, ये प्रॉपर माइंडसेट में नहीं है, लेकिन ये ज़रूर आपसे कहना चाहते हैं कि तुम्हें भी माइंडसेट करना होगा, मुझे बहुत कंट्रोल मत करो, ठीक है। लेकिन जो आपने दिया है वो आपको उतना नहीं दे पा रहे, बट वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। किसी तीसरे के वजह से शक करना और अपने रिश्ते को ख़राब करना, आपके पार्टनर सोच रहे हैं, ऐसा मत करो। और कुछ आपने भी हाइड करना सीख लिया है, सेल्फ केयर, सेल्फ हीलिंग, ठीक है, सेल्फ केयर और चीज़ें छुपाने लगे हो। तो यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स आप ऐसा भी चाहते हो कि अब मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा और नहीं करूँगी, इस बार तुम्हें को आना होगा, ठीक है। तो इस तरह की फीलिंग्स आपके पार्टनर की है। नंबर सो यहाँ पे टेन, यहाँ पे 5 नंबर 4 नंबर 10 नंबर 9 नंबर 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है, इसके अनुसार 7 नंबर कार्ड्स के अनुसार ये नंबर्स आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 1 नंबर 10 नंबर 4 नंबर 9 नंबर नहीं 7 नंबर 7 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 5 की वाइब्रेशन स्ट्रॉन्ग है। जो नंबर से स्ट्रॉन्ग दिखते हैं मैं वही बात करती हूँ, ठीक है। तो देखिए, तुझमें रब दिखता है यारा, मैं क्या करूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दूसरों में, एक दूसरे में प्यार ढूंढते हो, दो एक दूसरे में इतना प्यार है, लेकिन तीसरे के वजह से, बिहेवियर के वजह से रिश्ते ख़राब होते जा रहे हैं। और देखिए, कुछ व्यूअर्स आपकी अभी भी मैं देख पा रही हूँ कि कुछ व्यूअर्स आपकी अभी भी, आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इशू है, जहाँ दूरियाँ बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन रिश्ता बहुत खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है, बस आप पेशेंस नहीं रख पा रहे हो और इस वजह से आप दोनों के बीच में खींचातानी हो रहा है। अभी भी बहुत सारे व्यूअर्स हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, समय पर सब कुछ सही होगा, खुद पर विश्वास रखना है। तो बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर एक मुलाकात चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, बाकी डिटेल्स आपकी निकल चुकी है, वो कोशिश कर रहे हैं आपको मनाने की, बात करने की, इस रिश्ते पे काम करने की, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपके मांग पर ही मैं वीडियो ला रही हूँ, ठीक है। मुझे भी सपोर्ट मिलता है, आपका प्यार मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, और आप अपने पार्टनर के साथ साथ यूनिवर्स से कनेक्ट करते हो, अपनी एनर्जी से कनेक्ट करते हो, डिवाइन से कनेक्ट करते हो, और एक लाइक देने से भी कहीं ना कहीं आप ग्रैटिट्यूड शो करते हो, यानी कि थैंक यू कहना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।